आप अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जोय डिस्पेंजा दावा करते हैं कि ये मुमकिन है। अपने शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाली हूँ और उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद डॉक्टर जोय आपको 7 दिन का चैलेंज देने वाले हैं, जिसमें आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा और उन 3 स्टेप्स में आपको एग्जैक्टली पता चलने वाला है कि आप अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी गंभीर बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। जोय डिस्पेंजा मानते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में हर वक्त चिंता का भाव होता है। एवोल्यूशन यानी हमारे शरीर के क्रम विकास के साथ हमारे दिमाग में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी सामना करो या भागो की प्रतिक्रिया को बैठा दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग हर वक्त अलर्ट कंडीशन यानी चेतावनी की स्थिति में रहता है और इसी वजह से हमारे दिमाग में हर वक्त किसी भी सिचुएशन को लेकर सबसे पहले नकारात्मक विचार आते हैं, जिसकी वजह से हमें पैनिक अटैक्स या कैंसर तक की बीमारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को पूरी तरह से बदल लें तो हम अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी गंभीर बीमारी को होने से बचा सकते हैं और जो बीमारी हमें पहले से है उसे हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रेमिशन यानी सहज छूट यानी स्वाभाविक तरीके से ठीक होने का तरीका। इस तरीके से स्टेज 4 कैंसर तक की बीमारी ठीक हो सकती है। जोय डिस्पेंजा एक इंटरनेशनल स्पीकर, रिसर्चर, ऑथर और एजुकेटर हैं, जिन्होंने न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स जैसे फील्ड में ढेर सारी रिसर्च करने के बाद इस तरीके का पता लगाया है। इस तरीके से उन्होंने कई तरह की बीमारी, क्रोनिक कंडीशंस और टर्मिनल डिजीज को ठीक करके लोगों को खुशहाल जिंदगी जीने में मदद की है। डॉक्टर जोय डिस्पेंजा यू आर द प्लेसबो मेकिंग योर माइंड मैटर की किताब के न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिसमें उन्होंने डिटेल में समझाया है कि आप अपने विचारों की मदद से बिना किसी ड्रग्स और सर्जरी के किसी भी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जोय हमेशा से न्यूरोसाइंस की फील्ड में काम नहीं करते थे। लाइफ यूनिवर्सिटी ऑफ एटलांटा जॉर्जिया से उन्होंने क्रियोप्रैक्टिक की डिग्री हासिल की और क्रियोप्रैक्टिक प्रैक्टिस करने लगे। तभी एक दिन उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। 1986 में ट्रायथलॉन में साइकिलिंग करने के दौरान एक ट्रक ने उनको जोरदार टक्कर मारी, जिसमें उनकी रीढ़ की 6 हड्डियां टूट गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर जोय 4 अलग अलग सर्जन के पास गए और चारों सर्जन ने उनको बहुत ही मुश्किल सर्जरी के बारे में बताया। उस सर्जरी को करने से उनका दर्द तो ठीक हो सकता था, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि वह कभी भी चल नहीं पाएंगे। तब डॉक्टर जोय ने खुद में सोचा कि हमारे शरीर में इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता है जो हमें ज़िंदगी देती है और वो बुद्धिमत्ता मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से जानती है कि इस बीमारी को कैसे ठीक करना है। शायद अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा, इसे अपना प्लान बताऊंगा, डिज़ाइन बताऊंगा और ठीक होने का तरीका बताऊंगा। जोय ने सोचा कि अब वो सर्जरी नहीं करवाएंगे और कल्पना करने लगे कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कल्पना करना शुरू किया कि किस तरह से उनकी रीढ़ की एक एक हड्डी ठीक हो रही है और अपने आप जुड़ते जा रही है। केवल 10.5 हफ्तों में जोय अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और 12 हफ्तों के बाद वो क्रियोप्रैक्टिक प्रैक्टिस करने अपने क्लिनिक जाने लगे। पूरी तरह से ठीक होने के बाद जोय ने न्यूरोसाइंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो पूरी दुनिया घूमने लगे और एक्सपर्ट लोगों के इंटरव्यू लेने लगे। अब वो अच्छी तरह से सीख रहे थे कि अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है और आज वो इस जादुई तरीके से लोगों को ठीक करके उनकी मदद कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जादुई तरीका क्या है और कैसे काम करता है। कनेक्ट विद द इंटेलिजेंस इनसाइड यू। जब जोय ने इस तरीके पर रिसर्च करना शुरू किया और दिमाग की शक्ति से अपने शरीर को ठीक करने के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तब खुद से केवल एक आसान सा सवाल पूछा था, क्या इसे पहले कभी किसी ने किया है? और इसी सवाल ने उनको 17 अलग अलग देशों में घुमाया, जहाँ पर उन्होंने सैकड़ों एक्सपर्ट लोगों का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि वह अचानक से ठीक होने लगे थे। और उन तमाम लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद डॉक्टर जोय डिस्पेंजा ने
पता लगाया कि उन सारे लोगों में कुछ समानताएं थीं। जोई ने पता लगाया कि कोई भी इंसान किसी भी लिंग, जाति या धर्म से क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरीके से ठीक हो सकता है। जिन्होंने भी इस जादुई तरीके से खुद को ठीक किया था, उन सब के अंदर एक समान विशेषता थी, जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। डॉक्टर जोई डिस्पेंजा कहते हैं, वो सारे लोग यकीन रखते थे और मानते थे कि उन सब के अंदर बुद्धिमत्ता है जो उन्हें जीवन प्रदान करती है। जोई कहते हैं कि हम सब के अंदर इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता है जो एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है। यह बुद्धिमत्ता हमें ज़िंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम एक मिनट के लिए ही क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां और चोट लगने लगती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इस बुद्धिमत्ता से अलग हो रहे हैं, तब आपको वापस से इसके साथ जुड़ना होगा और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ एक खास संबंध बनाकर रखना होगा। दूसरे पॉइंट में डॉक्टर जोई डिस्पेंजा कहते हैं, इस तरह के लोगों ने ऐसा महसूस किया था कि उनकी भावनाएं और उनके स्ट्रेस हार्मोन्स के मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंध की वजह से उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर जोई कहते हैं, जिन्होंने भी स्पॉन्टेनियस रेमिशन यानी सहज छूट को अच्छे तरीके से समझा है, वो लोग जानते हैं कि उनकी भावनाओं और तनाव की वजह से ही उन्हें बीमारी लगी है। सदियों पहले इंसान केवल जिंदा रहने के लिए जीते थे। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कोई नरभक्षी उनका शिकार करके उन्हें अपना भोजन न बना ले, और इसी वजह से आज तक हम इंसानों को जब भी किसी चीज़ का खतरा महसूस होता है, हम तुरंत प्रतिक्रिया करके उस खतरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे तनाव की जड़ है। इसे ही कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी सामना करो या भागो की प्रतिक्रिया, और ना चाहते हुए भी हमारा दिमाग इस तनाव के प्रति प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन अब हमें सामना करो या भागो प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी भालू या शेर से डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको खाने आ जाएगा, क्योंकि हम पहले से ज़्यादा सालों तक सेहतमंद जिंदगी जीते हैं, तो हम उस तनाव को अपने दिमाग में ज़्यादा समय तक लेकर बैठे रहते हैं, और हमारे दिमाग में हर वक्त किसी भी परेशानी को लेकर आपातकालीन स्थिति बनी रहती है। लेकिन हमारा शरीर इस तनाव को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना है। जब हम लगातार घबराहट और तनाव महसूस करते हैं, तब हमारे दिमाग में असंतुलन की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें इस प्रतिक्रिया से लड़ना होगा? चेंज योर थिंकिंग एंड रिव्यू योर ब्रेन, हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। तीसरे पॉइंट में डॉक्टर जोई डिस्पेंजा कहते हैं, अब तक मुझे ये समझ आ चुका था कि मुझे अपने विचारों और अपनी भावनाओं को कुप्रबंधित यानी मिसमैनेज होने से बचाना है। मुझे समझना होगा कि मैं किस तरह से बातें करता हूँ, और मुझे जानना होगा कि मेरे अवचेतन मन में क्या चल रहा है। आपको अपनी सोच के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने आसपास में होने वाली चीज़ों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। आपको अपने परिवार, दोस्त और अपने कलीग्स के बारे में सोचना होगा कि आप उनसे किस तरह से बातें करते हैं। आपको समझना होगा कि ये तनाव कहाँ से आता है और आप इस तनाव की स्थिति में किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। अब ये सोचो कि आज तक आपने कितने लोगों की प्रशंसा की है, आपका रोल मॉडल कौन है, उनके अंदर कौन सी विशेषता है जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, और सोचो कि रिहर्स यानी पूर्वाभास करके उन विशेषताओं को आप अपने दिमाग में कैसे विकसित कर सकते हैं। आप उन रोल मॉडल्स के बारे में सोचना शुरू करो कि वो लोग कैसे अपने तनाव को नियंत्रित करते हैं और किस तरह से आप इस तनाव की प्रतिक्रिया को बंधित करके अपने आसपास में होने वाली चीज़ों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को इस तरह के संकेत देने से रोक सकते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ महसूस करते हैं, और जो बीमारी आपके शरीर में मौजूद है, उसे भी आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में डॉक्टर जोई डिस्पेंजा कहते हैं, जब वो लोग पूर्वाभास की प्रक्रिया करते हैं, तब उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि वो लोग इस पूर्वाभास में पूरी तरह से डूब चुके हैं। उन्हें समय का कोई आभास नहीं होता। पूर्वाभास करते वक्त जब वो लोग अपने दिमाग में अपने रोल मॉडल की विशेषता विकसित करते थे,
तब वो इसमें पूरी तरह से डूब जाते थे। वो अपनी कल्पनाओं में डूबकर उस कल्पना में ठहर कर उसे पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश करते थे, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप धीरे हो जाते हो। मेडिटेशन करने से सामना करो या भावों की प्रतिक्रिया रुक जाती है और आपका पूरा फोकस अपने प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में होता है, और ये मानसिक स्थिति आपको ऐसी कल्पना करने की अनुमति देती है। आप ऐसे कार्य करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है जैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, किसी भी चीज़ की कल्पना करना या उसे सच में करना हमारे दिमाग को एक बराबर महसूस होता है, क्योंकि जब हम पूर्वाभास करते हैं तब हम उस पल को सच में जी रहे होते हैं, और हमारे दिमाग की कल्पना और सच्चाई के बीच कोई भी फर्क समझ नहीं आता है। तो हम जिस तरह के इंसान बनने का पूर्वाभास करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हम उस कल्पना वाले इंसान के साथ जुड़ने लगते हैं और उसकी तरह बनने लगते हैं। आपको अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकाल कर हर दिन मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप अपने दिमाग को शांत करते हो और आपके दिमाग के तार इस तरह से जुड़ने लगते हैं कि आप किसी भी तनाव की प्रतिक्रिया से बचकर अपने दिमाग में स्वस्थ भावनाओं को विकसित करते हैं। और जब आप स्वस्थ भावनाओं को अपने दिमाग में विकसित करते हैं तब आप अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। द चैलेंज, यू कैन चेंज योर थिंकिंग। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ जो डॉक्टर जॉय के सिद्धांतों पर आधारित है। आपको इन तरीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना है, जिसकी मदद से आप अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आपको इन तीन तरीकों को अगले 7 दिनों तक रोज फॉलो करना है। इन तरीकों से आपकी मानसिकता में कुछ सकारात्मक बदलाव तो जरूर आएंगे। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो, आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूँ। ज़्यादातर लोग हर दिन सुबह उठने के बाद केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, और वो परेशानियाँ उनके भूतकाल यानी पास्ट की यादें होती हैं। तो जैसे ही वो लोग अपनी परेशानी के बारे में सोचते हैं, वो बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ भावनाएं जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वो लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य यानी वर्थलेस मानने लगते हैं। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। अक्सर हम अपना ज़्यादातर समय हर काम को पूरा करने पर बिताते हैं। हमें पता है कि हम हर काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, फिर भी हम ऐसा करते हैं, और ये सोचने का सबसे गलत तरीका है। इसी सोच की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। आपको हर दिन सुबह उठने के बाद अगले 7 दिनों तक अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करनी है। आज के दिन आप खुद का श्रेष्ठ संस्करण यानी बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं। हर दिन निर्णय लो कि आज आप सबसे खुश, खुद का सबसे ज़्यादा सकारात्मक संस्करण यानी मोस्ट पॉजिटिव वर्जन कैसे बन सकते हैं, और आपको अपना हर दिन बेस्ट इमोशनल स्टेट यानी बेहतरीन उत्तेजित अवस्था में शुरू करना है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था के साथ जुड़ी होती है, तो जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एट द एंड ऑफ इस डे। डॉक्टर जॉय कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का हमारे दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रैटिट्यूड की वजह से हमारे शरीर में करीब 1200 अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो हमारे शरीर को ठीक होने में मदद करती है। हर दिन ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आते हैं, और ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य में अविश्वसनीय प्रभाव लाने में मदद करता है। तो अगले 7 दिनों तक हर रात आपको कुछ देर के लिए जो भी आपको आज तक मिला है उसके लिए आपको इस ब्रह्मांड का शुक्रगुजार महसूस करना है। आप चाहे तो अपने दिमाग में ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप एक डायरी में हर दिन शुक्रिया कर सकते हैं, लेकिन आपको अगले 7 दिनों तक ऐसा करना है। डेवलप अवेयरनेस ऑफ द स्पेस अराउंड यू। जब आप अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो इससे आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आपके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से आपको अपने बारे में बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। इससे आपके दिमाग को समझ में आने लगता है कि आपको किन चीज़ों में तनाव होता है, और जब आपका दिमाग ये समझ लेता है तब इससे आपके दिमाग में एक बड़ा सा बदलाव आता है। आप नकारात्मक सोचना बंद कर देते हो
और इससे आपको हर काम में सफलता मिलती है। ऐसा करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगले 7 दिनों तक आपको हर दिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन करना है। एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके अपने वातावरण के प्रति जागरूक होना है। अपने आसपास में होने वाली हर हलचल को सुनना है, समझना है और महसूस करना है। जब आप हर दिन मेडिटेशन करते हैं तब आपका दिमाग स्वस्थ तरीके से काम करता है और इससे आपके दिमाग में होने वाले मानसिक तनाव में कमी आती है। और यही वो जादुई तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और आप जो भी पाना चाहते हैं उसे आप सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।